पाकिस्तान ने फिल्मां ते बैन तो बाद अजिही खबरां सामने आईयां कि फवाद खान दी हाल ही विच रिलीज हुई हिट फिल्म द लैजेंड ऑफ मौला चट इंडिया च 30 दिसंबर नूं रिलीज होनी सी। हालांकि इस दे आउण तो एक दिन पहला फिल्म दे रिलीज नूं लैके कई सारियां गल्लां सामने आईयां। हालांकि कई रिपोर्ट्स ने सुझाव दिता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फवाद खान स्टारर फिल्म नूं इंडिया दे विच रिलीज करन दी गल नूं रद्द कर दिता है, पर प्रमाणीकरण संस्था वालों कोई अजिहा बयान सामने नहीं आया। मल्टीप्लैक्स चेन इनॉक्स दे बुलेरे तो इस गल की पुष्टि की कि फिल्म दे रिलीजिंग नूं लैके हजे तक कई सारियां गल्लां सामने आ रही हैं अते बिलाल लाशारी दे निर्देशक लई कोई नवीं तरीक का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा फिल्म नूं पोस्टपोन कर दिता गया, यह सानूं प्रोग्राम मिंट द्वारा दस्या गया है, एक नवीं रिलीज डेट दे नाल जल्दी ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी ब्लॉकबास्टर 30 दिसंबर नूं पंजाब दे विच रिलीज होण दे लई पूरी तरह तैयार सी। इस 11 साल बाद सरहद पार तो भारत दे विच आउण वाली फिल्म है। 2016 दे उरी हमले तो बाद जिस दे विच घट्टो घट 19 फौज जवान मारे गए, पाकिस्तानी कलाकार अते फिल्मां इंडिया दे विच बैन कर दिते गए। इंडिया दे विच फिल्म दे रिलीज होण बारे ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो बाद महाराष्ट्रीयन नवनिर्माण सेना दे एक नेता ने कहा, उन्होंने इस ते एतराज भी जताया ते कहा कि उन्हां दी पार्टी फिल्म नूं इंडिया दे विच दिखाउण दी इजाजत नहीं दिंदी। द लैजेंड ऑफ मौला चट 1979 दी क्लासिकल मौला चट दा सैकेंड पार्ट है। फवाद खान तो इलावा इस फिल्म दे विच माहिरा खान है, जो कि आखिरी बार शाहरुख खान दे नाल फिल्म रईस दे विच नजर आई सी। फिलहाल तुहाडी इस अपडेट ते जो भी राय कमेंट सेक्शन दे विच जरूर शेयर करो।